आप सुन रहे हैं कहानियों का एक कोना विद पंकज जीना। ओ कहानी वाले, मैं कहानी तेरी। मेरी जिंदगी मुसाफिरों वाली रही है। माँ कहती है मेरे पाँव में चक्र हैं, मैं एक जगह नहीं ठहरता। जब पहली बार पहाड़ छोड़कर दिल्ली आया था, उस भागते दौड़ते शहर में मैं अपना नैनीताल तलाश करता था। कनॉट प्लेस को मैंने जूमलैंड मान लिया। पुरानी दिल्ली में लगने वाले किताबी बाजार को मामू की दुकान, तल्लीताल के मोमो के बदले मूलचंद के पराठे अपना लिए। कुछ वक्त तक यहाँ रहा, उसके बाद पंख उड़ाकर देहरादून ले आए। यहाँ पहाड़ बड़े करीब थे मेरे, जरा सा ऊपर मसूरी, दूसरी तरफ हिमाचल। तो हिमाचल के मैक्लोडगंज हो या बद्रीनाथ का तप्तकुंड, देहरादून शहर में रहते हुए सब घूम के देखा मैंने। देहरादून में घंटाघर के पास एक कमरा लिया था मैंने, इसलिए जब भी मन करता था ट्रेन या बस पकड़ के निकल जाता था। देहरादून में उन दिनों मैं रेडियो पर काम करते हुए लोकल इवेंट्स में कहानियां सुनाया करता था। एक ऐसे ही इवेंट में किसी ने बनारस के बारे में बताया, पैरों के चक्र चालू हो गए। एक दिन चुपके से मैंने देहरादून छोड़कर बनारस की ट्रेन पकड़ ली। बनारस आने के बाद कुछ दिनों तक बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं यहाँ हर बात पर अपनी दिल्ली, देहरादून और नैनीताल ढूंढा करता था। रात घाट में बिता करती, कुछ जोगी होते, कुछ नाव वाले, मेरा दोस्त इसरार, प्रत्युष और कुछ भोले के भक्तों के संग गिटार। गिटार लेकर प्रत्युष गाने गाता, मैं कहानियों को आवाज देता। मुन्ना बाबा, लेमन दादा, बनारसिया, राजघाट के पुल पर मिलने वाली आत्माएं, बंटी भाई, ये सब असल किरदार थे जो कहानियों में उतरते गए। मई का घर अपना सा हो गया जो हमेशा रहेगा। सारी कहानियां बनारस से शुरू होती और बनारस पर खत्म हो रही थी। लोग बनारस से जुड़ रहे थे, मुझे अथाह प्यार मिल रहा था। बनारस मुझे, मैं बनारस को अपना रहा था। पता नहीं कैसे उस वक्त पाँव के चक्र दोबारा शुरू हो गए। मैं एक रात बनारस से निकल आया अपने पहाड़ वापस। सोचा था कुछ वक्त अब पहाड़ों में रहा करूंगा, तीन दुनिया से दूर। नहीं हो पाया मुझसे, रेडियो ने इस बार लखनऊ बुला लिया। प्रदेश की राजधानी में होना हर किसी के दिल की ख्वाहिश होती है, लेकिन मन उसका क्या करें साहेब। बनारस बैरागी नहीं है, छलिया है, प्रेम में बांध लिया है उसने मुसाफिर को। इस बार चक्र दोबारा उल्टी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। बनारस आवाज दे रहा है, मणिकर्णिका पर बसता शिव का डमरू नाद कर रहा है। घाट कह रहे हैं लौट आओ मुखर, जोगी इंतजार में है, नाव वाले पुकार रहे हैं, लेमन दादा और कहानियां कह रही हैं बनारस आओ मुखर। मैं कह रहा हूं इंतजार करो, मुसाफिर लौटेगा एक दिन।